जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएस न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार दूसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन शमी ने रचा इतिहास, तोड़ दिया ये महारिकॉर्ड, न्यूजीलैंड की टीम 235 रन पर सिमटी। तो वहीं बुमराह भी चमके और जडेजा का भी यहाँ पर कमाल और धमाल देखने के लिए मिला। पूरी जानकारी और डिटेल बताएंगे कि आखिरकार शमी और बुमराह ने कौन कौन से बड़े रिकॉर्ड तोड़े। तो वहीं यहाँ पर हम आपको क्रिकेट जगत से जुड़ी काफी कुछ बड़ी बड़ी खबरें भी बताएंगे। जैसे कि जो दूसरी बड़ी खबर होगी वो ये होगी कि सर जडेजा ने रचा नया इतिहास, तोड़े कई महारिकॉर्ड, बने दुनिया के नंबर वन ऐसे गेंदबाज। तो इसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी को बताएंगे। तो वहीं जो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये होगी कि उड़ते हुए जडेजा ने लिया अब तक का सबसे महानतम कैच, हर कोई देखकर हुआ हैरान। तो उस कैच की आपको पूरी वीडियो भी दिखाएंगे, तो आप सभी बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। तो वहीं दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि भारतीय टीम दूसरा टेस्ट मुकाबला जीते तो अभी इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और साथ में हमारे चैनल आरएस न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारियां और लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए, अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि क्राइस्ट चर्च में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन भारतीय गेंदबाजों का दबदबा देखने के लिए मिला। तो वहीं तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह की अगुवाई में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 235 रनों पर ही समेट दिया। जी हां, जैसे कि आप सब यहां पर देख पा रहे होंगे कि पहली पारी के दौरान भारतीय टीम की तरफ से हनुमा बिहारी ने 55 रनों की शानदार पारी खेली थी और पृथ्वी शॉ और चितेश्वर पुजारा ने 54 रन बनाए थे और भारतीय टीम की पहली पारी 242 रनों पर सिमट गई थी। लेकिन दूसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन न्यूजीलैंड की टीम की भारतीय टीम के गेंदबाजों ने एक न चलने दी और न्यूजीलैंड के ताबड़तोड़ विकेट गिरा डाले। जी हां, यहां पर न्यूजीलैंड की टीम मात्र 235 रन ही बना पाई। तो वहीं टॉम लैथम ने न्यूजीलैंड टीम की तरफ से 52 रनों की शानदार पारी खेली और जेमी सन ने 63 गेंदों में 49 रन बनाए और बाकी भारतीय टीम की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने आज 22 ओवर डालकर 62 रन दिए और उस दौरान 3 विकेट हासिल किए। तो वहीं रविंद्र जडेजा ने 2 विकेट हासिल किए और मोहम्मद शमी ने 4 विकेट हासिल किए। तो आज भारतीय टीम के गेंदबाजों ने काफी शानदार प्रदर्शन किया। तो भारतीय टीम के गेंदबाजों ने कौन कौन से रिकॉर्ड तोड़े, आइए चलिए अब हम आपको बताते हैं। पहले हम बात करेंगे जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी ने कौन कौन से रिकॉर्ड तोड़े। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सातवां सबसे बड़ा रिकॉर्ड निकल कर आता है वो ये है कि न्यूजीलैंड के विरुद्ध सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में मोहम्मद शमी ने रवि शास्त्री, जिन्होंने 20 विकेट लिए थे, उनके रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है और मोहम्मद शमी अब रवि शास्त्री से ऊपर के स्थान पर आ चुके हैं। तो वहीं यहाँ पर जो छठा रिकॉर्ड निकल कर आता है वो ये है कि इस वर्ष टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में जसप्रीत बुमराह ने भारत के स्पिनर रविंद्र चंद्रन अश्विन, जिन्होंने 3 विकेट हासिल किए थे, उनके रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है और अब वो रविंद्र चंद्रन अश्विन से ऊपर आकर टॉप का स्थान काबिज कर चुके हैं। तो वहीं अब बात करें आगे बढ़ते हुए पांचवे रिकॉर्ड के बारे में। जो पांचवा बड़ा रिकॉर्ड टूटा है वो ये है कि टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा विकेट हासिल करने के मामले में जसप्रीत बुमराह ने न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट, जिन्होंने 16 विकेट लिए थे, उनके रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है और अब ट्रेंट बोल्ट से ऊपर जसप्रीत बुमराह आ चुके हैं। तो वहीं बात करें चौथे रिकॉर्ड के बारे में। जो चौथा रिकॉर्ड टूटा वो ये था कि शमी ने टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे अधिक विकेट अर्जित करने के मामले में ऑस्ट्रेलिया के स्टार्क, जिन्होंने 33 विकेट लिए थे, उनके रिकॉर्ड को बछाड़ दिया है। तो वहीं बात करें आगे बढ़ते हुए तीसरे रिकॉर्ड के बारे में। जो तीसरा बड़ा रिकॉर्ड टूटा वो ये था कि मोहम्मद शमी इस साल तीनों प्रारूपों में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी बन गए हैं और उन्होंने इस मामले में जसप्रीत बुमराह, रविंद्र चंद्रन अश्विन, शमी को पीछे छोड़ दिया है। तो वहीं बात करें आगे बढ़ते हुए दूसरे रिकॉर्ड के बारे में। जो दूसरा बड़ा रिकॉर्ड टूटा वो ये था कि टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में मोहम्मद शमी सबसे टॉप के स्थान पर आ चुके हैं। और वहीं बात करें पहले रिकॉर्ड के बारे में। जो पहला रिकॉर्ड टूटा वो ये था कि मोहम्मद शमी टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज भी बन गए हैं और वह 9 टेस्टों में अब तक 36 विकेट ले चुके हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। तो इसमें आपका क्या ख्याल है मोहम्मद शमी के बारे में और जसप्रीत बुमराह के इन सभी रिकॉर्डों के बारे में, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर के बारे में। जो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि सर जडेजा ने रचा इतिहास, तोड़े कई महारिकॉर्ड, बने दुनिया के ऐसे नंबर एक गेंदबाज। तो जैसे कि आप सभी को अभी हमने बताया कि आज रविंद्र जडेजा ने 10 ओवर डालकर उन्होंने 22 रन दिए और उन्होंने 2 विकेट झटके और इस दौरान उन्होंने बहुत ही बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़े। आइए चलिए हम आपको बताते हैं कि उन्होंने ये तीन कौन से बड़े महारिकॉर्ड तोड़े हैं। तो जैसे कि आप सभी यहां पर तीसरा बड़ा रिकॉर्ड देख पा रहे होंगे रविंद्र जडेजा का, वो ये है कि टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में रविंद्र जडेजा ने एमजी हुक्स को, जिन्होंने 212 विकेट लिए थे, उनके रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। तो यहाँ पर ये बहुत ही बड़ा इतिहास रचा है रविंद्र जडेजा ने। तो वहीं बात करें दूसरे रिकॉर्ड के बारे में। जो दूसरा रिकॉर्ड उन्होंने बनाया वो ये था कि न्यूजीलैंड के विरुद्ध सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में बापू नाडकर्णी, जिन्होंने 19 विकेट लिए थे, उनके रिकॉर्ड को भी पीछे यहाँ पर रविंद्र जडेजा ने छोड़ दिया है। और वहीं बात करें पहले रिकॉर्ड के बारे में। जो पहला रिकॉर्ड है वो ये है कि टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में रविंद्र जडेजा ने नॉट जे, जिन्होंने 19 विकेट लिए
दिए थे उनको और मैच खेलने के मामले में ईशांत शर्मा जिन्होंने 7 मैच खेले उनके रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। तो यहाँ पर रविंद्र जडेजा ने ये 3 महारिकॉर्ड तोड़े थे। तो आज के टेस्ट मुकाबले में रविंद्र जडेजा ने ये महारिकॉर्ड तोड़े। तो वहीं बात करें तीसरी खबर के बारे में, जो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि उड़ते हुए जडेजा ने लिया अब तक का महानतम कैच, हर कोई हुआ हैरान। जी ये जो दरअसल कैच है वो रविंद्र जडेजा ने लिया। दरअसल आज रविंद्र जडेजा ने अपनी फील्डिंग का एक कारनामा दिखाते हुए पूरी दुनिया को हैरान कर दिया और सब मान रहे हैं कि ये सबसे खतरनाक कैच भी है अब तक का। बाकी आप यहाँ पे तस्वीरों में देख सकते हैं। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि न्यूजीलैंड के हेगले ओवल क्राइस्टचर्च मैदान पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच में दूसरा टेस्ट मुकाबला खेला जा रहा है, जहां पर पहले दिन भारतीय टीम ने अपने पूरे 10 विकेट खोकर 242 रन बनाए थे और भारतीय टीम की तरफ से सबसे ज्यादा जो रन बनाए थे वो हनुमा बिहारी ने बनाए थे। जी हाँ, हनुमा बिहारी ने 55 शतक लगाया, लेकिन यहाँ पर बाकी सभी बल्लेबाजों ने काफी निराश किया और भारतीय टीम को ऐसा लग रहा था कि अब तो शायद भारतीय टीम का जीतना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि पहले दिन न्यूजीलैंड की टीम का एक भी विकेट नहीं गिरा था और भारतीय टीम की स्थिति ज्यादा नाजुक लग रही थी। लेकिन आज दूसरे दिन तो मानो कि न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों का मुंह तोड़ दिया है हमारे भारतीय गेंदबाजों ने। जी हाँ दोस्तों, न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के एक के बाद एक विकेट भारतीय टीम के लेते चले गए और न्यूजीलैंड की टीम को अब हार के मुंह में धकेल दिया है। जैसे कि आप सभी यहाँ पर स्कोर कार्ड में देख पा रहे होंगे कि दूसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन न्यूजीलैंड की टीम ने आज 73.1 ओवर में 235 रन बनाए और पूरे 10 के 10 विकेट अपने खो दिए हैं। तो वहीं हम आपको बताएं, न्यूजीलैंड टीम की तरफ से टॉम लैथम जिन्होंने 52 रनों की बेहतरीन पारी खेली उन्हें मोहम्मद शमी ने बोल्ड आउट करा। तो वहीं उनका साथ देने आए थे टॉम ब्लेंडन ने मात्र 30 रन बनाए और उन्हें उमेश यादव ने LBW आउट किया। तो अब बात आती है जसप्रीत वापिस आए और उन्होंने आज न्यूजीलैंड के शानदार बल्लेबाजों के विकेट लिए। जी हां, पहला विकेट तो जसप्रीत बुमराह ने केन विलियमसन का लिया जिन्हें मात्र 3 रन बनाकर ही पवेलियन भेज दिया जसप्रीत बुमराह ने। और वहीं फिर जसप्रीत बुमराह ने कमाल दिखाते हुए विजय बैटलिंग का भी विकेट लिया और उन्हें 0 रन पर ही आउट कर दिया। और वहीं आप यहां पे देख सकते हैं कि जसप्रीत बुमराह ने टीम साउदी को भी 0 रन पर ही आउट कर दिया, जिसके चलते आज जसप्रीत बुमराह ने आज 22 ओवर डाले जिसमें से आज उन्होंने 5 ओवर मैडन डाले और रन दिए 62 और विकेट लिए 3। तो जिसके चलते आज जसप्रीत बुमराह का दूसरे दिन तो सही में तूफान आ गया। तो वहीं अब बात करें मोहम्मद शमी की, तो मोहम्मद शमी ने तो मानो कमाल ही करके दिखा दिया। जी हां, मोहम्मद शमी ने यहां पर टॉम लैथम का विकेट लिया, हेनरी निकोलस का विकेट लिया, फिर काइल जेमिसन का विकेट लिया जो कि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि आज तो शायद ये आउट हो, लेकिन यहां पर मोहम्मद शमी ने काइल जेमिसन को आउट कर भारतीय टीम जीत की तरफ अग्रसर करवाया। तो आप यहां पे देख सकते हैं काइल जेमिसन 63 गेंदों पे 49 रन बनाकर यहां पर खेल रहे थे और वहीं मोहम्मद शमी ने फिर नील वेगनर का विकेट लिया जो कि 21 रन पर आउट हुए। तो कुल मिलाकर आज के इस मुकाबले में मोहम्मद शमी ने 4 विकेट हासिल किए 23.1 ओवर में, जिसमें उन्होंने 3 ओवर मेडन डाले और 81 रन दिए थे। तो वहीं स्कोर कार्ड और आंकड़े भी देख सकते हैं। तो आपका क्या मानना है, आप क्या सोचते हैं, क्या जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी एक बार फिर से वापसी कर रहे हैं अपने मैचों में जैसा वो पहले खेलते थे और जो आगे आने वाले समय में क्या ये भी जानते होंगे कि इस खिलाड़ी ने IPL और घरेलू टूर्नामेंट में सभी को खूब प्रभावित किया है और जितने इन्होंने आज तक रन बनाए हैं उतने रन शायद ही किसी ने अब तक बनाए होंगे, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी इन्हें भारतीय टीम की तरफ से खेलने का मौका नहीं दिया जाता है। लेकिन आज हम आपको इनके बारे में बताएंगे कि आज एक T20 मुकाबले में इन्होंने कैसे 143 नाबाद रहते हुए रन बना दिए और उन्हें थोड़ी सी बॉलें और मिल जाती तो वो और छक्के चौके लगाकर 200 रन के पार पहुंच जाते, तो पूरा मैच का हाल हम आपको यहां पे बताएंगे। तो वहीं दोस्तों एक तरफ जहां पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच में आज दूसरा टेस्ट मुकाबला खेला गया तो उसमें भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने कुछ ज्यादा खास प्रदर्शन नहीं किया, तो वहीं विराट कोहली अजिंक्य रहाणे जैसे खतरनाक बल्लेबाज कुछ हुए। लेकिन इसी बीच दूसरी तरफ जहां पर सूर्य कुमार यादव खेल रहे थे तो उन्होंने एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर डाली। जी दोस्तों, ये बात है शनिवार को DY पाटिल T20 टूर्नामेंट खेला जा रहा था जहां पर BPCL टीम की ओर से खेलते हुए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने T20 मैच में 143 रनों की शानदार ताबड़तोड़ पारी खेल दी। तो वहीं हम आपको बताएं कि मैच में पहले बल्लेबाजी करने उतरी BPCL की टीम ने अखिल का विकेट काफी जल्दी खो दिया था, लेकिन इसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान पर उतरे और उन्होंने आकर्षित गुमेल के साथ मिलकर काफी शानदार ताबड़तोड़ पारी खेली। जी हां दोस्तों, यहां पर आकर्षित गुमेल ने 48 गेंदों में 100 रनों की पारी खेली। तो वहीं आकर्षित गुमेल के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए राहुल त्रिपाठी मात्र 0 रन बनाकर आउट हुए और वहीं एकनाथ केरकर भी 0 रन बनाकर आउट हो गए और दिव्यांश सक्सेना भी 0 रन बनाकर वहां पे नवाद रहे। लेकिन आखिरकार ये तीनों बल्लेबाज रन बनाए तो बनाए कैसे, सूर्य कुमार यादव बार बार स्ट्राइक पर आ रहे थे और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। जी हां दोस्तों, सूर्य कुमार यादव ने आज के इस मुकाबले में मात्र 63 गेंदों में 143 रनों की बेहतरीन पारी खेली। जी हां दोस्तों, आप लोगों को यकीन कर पाना मुश्किल होगा और वो 143 रन बनाकर पूरे नवाद वहां पर टिके भी हुए। जानकारी जरूर पसंद आई होगी, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक तो कीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दबाना। तो मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।